देखिए मिश्रा जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, विभिन्न विषयों पर बेबाक बोलते हैं, सही गलत को सही और गलत बताते हैं। तो ये जो मैं सवाल उठा रहा हूँ कि इस वक्त शांति का संदेश देने के लिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को क्यों नहीं हिंदुस्तान में अपने नागरिकों को शांति का पाठ पढ़ाने के लिए सामने आना चाहिए? जी एके मिश्रा, देखिए आपकी बात बहुत सही है और ये होना चाहिए। मैं ये बोलता हूँ, हम देश की बात करें, आप भी देश ही की बात कर रहे हैं, जितने और प्रवक्ता हैं वो देश की ही बात करेंगे, चाहे और एक आम इंसान भी देश की ही बात करेगा, चाहे किसी भी धर्म जाति या समुदाय का हो। रही बात शांति का पाठ, कितने हजार सालों से शांति का पाठ कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, आप कोई भी पूजा अनुष्ठान हो रहा हो, मंदिर में आप चले जाइए, ओम शांति, दौ शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पतय शांति, शांति, ये सब शांति का ही पाठ। तो शांति का पाठ क्या इस देश ने, इस देश के लोगों ने कम पढ़ाया है? इसको जाति धर्म से मत जोड़िएगा, मैं केवल हिंसक प्रवृत्ति के लोगों की मैं बात कर रहा हूं, उनके लिए क्या शांति का पाठ इसके पहले नहीं पढ़ाया गया? और अगर मोदी जी बोलेंगे, मोदी जी ने चलिए बोला था, मोदी जी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इससे इससे बेटर थोड़ी बोल पाएंगे। इतनी शांति की स्थापना, इतना पाठ अशोक ने शांति का पाठ पढ़ाया, बुद्ध ने शांति का पाठ पढ़ाया, हर युग में लोगों ने शांति का पाठ पढ़ाया, लेकिन यहाँ शांति नहीं हो रही है। तो मेरे ख्याल से एक सवाल आपका और था कि मोदी जी बोल क्यों नहीं रहे हैं, तो उसका जवाब हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी कभी बोला था कि मेरे लाख जवाबों से बेहतर मेरा मौन है, ठीक है, मेरा खामोश रहना। और ये कर्म का टाइम है, कर्म का टाइम मतलब ये है, मैं केवल और केवल उन लोगों के खिलाफ बोल रहा हूँ जो लोग आपत्तिजनक बोलते हैं, जो हिंसक होते हैं, पत्थर उठाते हैं और किसी भी तरीके से तोड़फोड़ करते हैं। शांति का पाठ हजारों साल से पचासों नेताओं ने, महर्षियों ने, ऋषियों ने, धर्म गुरुओं ने इस देश में दिया है, थोड़ा कर्म होना चाहिए। आप मुझे बताइए, एक साल तक शाहीन बाग में होता रहा, क्या वो शांति का पाठ नहीं था? एक पुलिस की लाठी नहीं चली है, किसान आंदोलन एक साल तक होता रहा, सरकार शांत ही थी ना, तो एक लाठी नहीं चली थी सर, एक लाठी नहीं चली थी। तो मुझे ये लगता है कि कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से जो प्रोविजंस हैं गवर्नमेंट को लेना चाहिए। शांति का पाठ शांति वालों के लिए होता है, प्रेम जी हमारे लिए है, आपके लिए है, जो बड़े से बड़े मुद्दे को फोन पे बात करके, मिल करके, डिबेट में बात करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हमारे आपके भी बहुत मतभेद रहते हैं, लेकिन न कभी आपने पत्थर उठाया, न कभी मैंने डंडा चलाया। तो शांति का पाठ शांति को मानने वालों के लिए है, जैन धर्म का तो है ही सिद्धांत ही यहाँ पे है, सिखिज्म का ले लीजिए, जैन धर्म वालों ने बोला जियो और जीने दो। अब कितना शांति का पाठ आपको पढ़ना है सर? मिश्रा जी, थोड़ा सा आपको रोकना चाहता हूँ। आपने शांति का, जो हमारे देश में प्राचीन परंपरा शांति की रही है, उसकी याद दिलाई है, और जो सहिष्णुता सनातन धर्म में रही है, प्रकारांतर से आपने उसकी भी याद दिलाई है। तो ये सहिष्णुता ही हमारी ताकत है और हमारे देश की ताकत है। और इस जो कोई भी इस सनातन के संपर्क में आया, वह भी कहीं ना कहीं हमसे प्रभावित हुआ। हम कभी सनातन से, चूंकि मैं भी उसी परंपरा से हूं, तो हम कभी दूसरों से प्रभावित होकर असहिष्णु नहीं होने गए। किसी ने हम पर पत्थर चलाया तो हम पत्थर चलाने नहीं लगे। तो आज कोई अगर दुनिया में अलकायदा बनेगा तो हम हिंदू अलकायदा बनाने नहीं लग जाएंगे, ये कहने का अर्थ ये है। और दूसरी, हमने कब पत्थर चलाया आप बताइए ना, हमने कब पत्थर चलाया? मैंने वो कहा हम मतलब सनातनियों ने कब पत्थर चलाया बताइए जरा, शाहीन बाग में चला दिया, कहीं चला दिया, ठीक है। लेकिन वहां पर पहले भी हमारे देश में भी जो मामले हुए, उसमें दुनिया के देश कभी बोलने नहीं आए थे। ये 75 साल के इतिहास में योगेश जी पहला मौका है जब इस्लामिक देशों ने इकट्ठा होकर हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने का दुस्साहस किया है। अब मैं आपके पास आता हूं इस व्यू पॉइंट के साथ। अब भी क्या प्रधानमंत्री जी की चुप्पी इसलिए है कि चीजों को होने दिया जाए?
अब हमें 80-20 का नारा देना नहीं पड़ेगा, जनता खुद को खुद 80-20 में फट जाए। प्रेम कुमार जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये बोला कि सारे के सारे इस्लामिक मुमालिक जो हैं इससे पहले देश के कभी खिलाफ नहीं हुए थे। मैं थोड़ा सा ज्ञानवर्धन के लिए बता दूं, कश्मीर में धारा 370 हटी थी तो OIC ने कुछ बिल वगैरह पास किया था, स्टेटमेंट दिया था। दो तीन बार अभी ये रिसेंटली दे चुके हैं, तुर्की ने दिया था। और हजारों साल का इतिहास आप उठा लीजिए, हजारों साल का, मैं अभी आजादी के बाद 60-70 साल का नहीं बोल रहा हूँ, जब इनको मौका मिला है और जितनी ताकत से मौका इनको मिला है, इन्होंने छेड़खानी हिंदुस्तान के साथ की है। सारे उदाहरण आप देख लीजिए ना, आक्रमण के भाई, वो यहाँ के ना तो नागरिक थे, ना लेना देना था, ना कोई दुश्मनी थी, कुछ नहीं था, राजा दाहिर से लेके अब तक। अच्छा छोड़िए, इसको जाने दीजिए, इसमें कोई वो नहीं, इतिहास इतिहास की बात है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज जो आप बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा दर्शकों को समझा कर रखे। नहीं नहीं, हमने आपको बताया, अभी अभी पिछले 2-3 सालों में, 5 सालों में OIC ने इंटरफियर किया था, कश्मीर वश्मीर के मामले पे भी किया था, जो प्योर पॉलिटिकल मुद्दा था कि 370 क्यों हट रहा है, वो बैक में जाके आप देखिएगा। तो यहाँ ये है कि जबरदस्ती इंटरफियरेंस इंडिया के बहुत सारी कंट्रीज करती हैं, मैं केवल उन्हीं की बात नहीं करता हूँ। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने बोली है ना, मैं एक सवाल भी आपसे पूछना चाहता हूँ। एक जुमला चलता था बीजेपी के खिलाफ कि बीजेपी ऐसी वॉशिंग मशीन है कि इधर से डालो उधर से निकालो सब साफ। हाँ, आज मैं यही बोलता हूँ कि भाई जो समाजशास्त्री हैं, जो बिहेवियर के एक्सपर्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो जरा इस चीज की एनालिसिस करें कि कुछ लोग 100-150-1000-2000 लोग एक पूजा स्थल पे गए, आधे घंटे पूजा किया और वहां से निकलने के बाद उनका तन भी एकदम से बदल गया और मन भी बदल गया, पूरा आचरण बदल गया, इधर से गए और उधर से निकले तो एक पूरा न जाने कौन सा नया मानव बन के वो निकल गए और एकदम उनका बिहेवियर बदल गया। तो इस पे भी जरा समाजशास्त्रियों को या जो कंसर्न रखते हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, इस पे भी बहस होनी चाहिए कि ऐसा आधे घंटे में क्या हेर फेर हो जाता है। इतना तेज वॉशिंग मशीन तो भाई कहीं नहीं दिखा है कि पूरा तन और मन दोनों ही बदल दे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने बोली कि प्रधानमंत्री जी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने जो, या जो भी जिम्मेदार लोग हैं, हम आप या और भी जो हैं, उन्होंने बहुत, हमने बताया हजारों साल का इतिहास है, हम शांति पाठ ही करते आ रहे हैं, सनातन जब से पैदा हुआ है। कुछ लोगों को शांति पाठ सुनाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है, वो बहरे हो जाते हैं, तो उनके लिए दूसरा पाठ होता है। मुझे ये लगता है कि सरकार या उस दायित्व पे बैठे हुए लोग, उन पदों पे बैठे हुए लोग, संविधान के हिसाब से जो भी हिंसक रहा हो, जिसने भी समाज के लिए कुछ गलत किया है, कानून के हिसाब से वो एक्शन ले रहे हैं। आपको एक कहावत, एक्शन स्पीक बेटर देन वर्ड्स, हाँ लाउडर, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो अब वो चीज चल रही है, शांति पाठ तो बहुत हो गया सर, कितना शांति पाठ करें, आप बोलिए तो मैं पूरा शांति पाठ, जिन लोगों को नहीं समझ में आया, नहीं आया होगा, मैं अभी फिर से रिपीट कर देता हूँ। शांति पाठ आप अपने लिए जरूर करते रहे हैं, देश के लिए शांति पाठ करने की जरूरत नहीं पूरे, अरे देश नहीं सर, नहीं 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 प्रेम जी, पूरे यूनिवर्स के लिए है। ओम शांति, दौ शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पति शांति, पृथ्वी शांति, पृथ्वी और अंतरिक्ष तक के लिए कामना की गई है, वनस्पतियों तक के लिए की गई है। आप कहां से बोल रहे हैं प्रेम कुमार जी, कितना शांति पाठ करें, कितना शांति पाठ करें, तो मुझे आप क्या समझाएंगे, इनको आस्था नहीं होगा। जिन लोगों को शांति पाठ पिछले 5000 सालों से जो लोग कान में तेल डाल के बैठे हैं, शांति पाठ नहीं समझ में आ रहा है, उनके लिए दूसरे पाठ की जरूरत है। और वो जो भी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी किसी भी देश में वो करेगी। अब वहां फ्रांस में हुआ था ना शांति पाठ, एक दूसरा पाठ हुआ था। ठीक है मिश्रा जी, मैं अब योगेश जी के पास आता हूँ। देखिए मिश्रा जी, शांति पाठ की बात कह रहे हैं, लेकिन हमारी उमर तो औसत उम्र 62-65 साल है हिंदुस्तान में। अब हम इस समय जो लोग हैं, हम अभी की बात करेंगे कि हम कैसे शांति से रहें, और मंत्रों से अगर शांति आ जाती, यज्ञ करने से अगर शांति आ जाती तो पूरी दुनिया में शांति होती। यज्ञ तो होते रहते हैं, कर्मकांडी भी बने हुए, ये सब एक अलग बात है। और योगेश जी, प्रेम कुमार जी सुनिए सुनिए सुन लीजिए, पता नहीं उस आधे घंटे में कान में कौन सा मंत्र फूटते हैं कि भीड़ का बिहेवियर ही बदल जाता है।
मंत्रों में कितनी शक्ति होती है आप देखिए, मैं मंत्र की बात कर रहा हूँ। आप बोलते कोई शक्ति नहीं है, मेरा विश्वास है, तो आप क्या करेंगे? अभी आधे घंटे में लोग बदल जाते हैं सर, वो कान में कौन सा मंत्र फूंका जाता है पूरी भीड़ बदल जाती है। जिनका विश्वास है उनके लिए महत्वपूर्ण है ये बात मैं कहने के लिए। लाइव हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं मंत्रों की शक्ति, हम देख रहे हैं आधे घंटे में पता नहीं कौन सा मंत्र फूंका कि पूरी भीड़ हिंसक हो जाती है। आंदोलन तो राजनीतिक मकसद जिसमें बहुसंख्यक लोगों की जो के लिए जो उसके काउज के लिए जब हम बोलते हैं तो ये होता है। यहाँ हमारे पास में एक नूपुर ने कुछ कहा, उस पर एक्शन होना है, एक्शन हो। आप इसको हिंसा मानते हैं, क्या मानते हैं? आंदोलन नहीं मानते हैं तो आप अपने शब्दों में बताइए ये हिंसा थी या क्या थी, क्लियर कर दीजिए दर्शकों को। मैं कर चुका हूँ, आपने शायद ध्यान नहीं, नहीं, एक बार फिर से बताइए, अगर ये आंदोलन नहीं था तो ये हिंसा थी? ये धार्मिक, हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है। आज का जो ओकेजन होता है उसको बदनाम करने वाली कार्रवाई है, ये शरिया। थैंक यू फॉर क्लेरिफिकेशन, थैंक यू फॉर क्लेरिफिकेशन। क्योंकि शरिया में जब कोई माफी मांग लेता है तो फिर उसके लिए वो नहीं, मुझे नहीं पता, हमने कुरान हदीस वगैरह नहीं पढ़ी है और ना कोई पढ़ने की जरूरत है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। ठीक है, लेकिन हम आचार व्यवहार से भी जानते हैं, कुछ मुसलमान साथियों से बात करके भी जानते हैं, जरूरी नहीं कि सारी चीजें हम पढ़ लिख करके ही तैयार हो। लेकिन प्रदेश में है तो आपका जो प्रभाव होना चाहिए गांधी जी से ज्यादा प्रभाव होना चाहिए। आपकी एक अपील पर दंगे रुक जाने चाहिए नरेंद्र मोदी जी, अगर आप दुनिया के ग्लोबल लीडर है, हिंदुस्तान के लीडर है। ये बात मैं कहना चाहता हूँ मिश्रा जी को भी, योगेश सोनी जी को भी, कि आपके अपील पर दंगे रुक जाने चाहिए, इतना विश्वास आपकी जनता में होना चाहिए। गांधी जैसा चरित्र आप में अगर होगा तो निश्चित रूप से रुकेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी मिश्रा जी, अभी हालांकि हमारी दर्शक कर रहे थे, मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ, दर्शक पूछ रहे थे क्षण भर के लिए कि मंत्र को जो लेकर आपने कहा, हमारे दर्शक ने पूछा कि ये मंत्र चीन पर क्यों नहीं पढ़ देते, ये मंत्र से आप रोजगार हमें क्यों नहीं दिला देते, ये मंत्र, इस तरह के सवाल भी लोग पूछ रहे थे जी। नहीं, उनको समझ में ही नहीं आया मेरे कहने का मतलब। आपके दर्शक हैं तो हमारे लिए भी वो प्रतिष्ठित है, सम्माननीय है, लेकिन मैंने जिस वे में कहा था शायद उनको समझ में नहीं आया। समझने वाले समझ गए हैं। हम आपके सवाल पे आते हैं। देखिए, आपने बोला कि गांधी की बात की, गांधी के कहने पे दंगा रुक गया था, बड़ी अच्छी बात है। हर युग की अगर हम बात करें, आज भी इस देश में जो बहुसंख्यक है, मैं बोलता हूँ ये जितना उपद्रव हुआ है कुल मिला के कितने लोग रहेंगे, 2, 4, 6, 10 लाख, 120 करोड़ में, ठीक है। ज्यादातर लोग तो प्रधानमंत्री के अपील के कारण या और भी जो पॉलिटिकल नेता हैं उनकी आइडियोलॉजी के कारण ही घर में। अरे मनमोहन सिंह जी ने बोला था ना कि लाख जवाबों से बेहतर मेरी ये कभी कभी खामोशी भी बहुत काम कर जाती है, तो लोग उसके कारण। देखिए ये दो चार कैसा उदाहरण दे रहे हैं आप, तो सुन लीजिए ना, देश में आग लगी हुई आप बोल रहे हैं, सुनिए। अरे हद हो गई, कहाँ आग लगी है सर? आग लगी होती तो हम और आप बैठ करके यहाँ डिबेट करते, अभी भी सब जगह। अरे आप मेरी बात, अच्छा मुझे करने दीजिए, सब आप समझेंगे, मुझे पूरी मेरी बात कहने दीजिए। मेरे कहने का मतलब, ये जो दंगा हुआ ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, गलत है सही है क्या है उस पर हम बाद में डिबेट करेंगे, लेकिन ज्यादातर आप ये देखिए लोग घरों से नहीं निकले हैं, वो परिस्थिति नहीं हुई है। इसका मतलब है कि लोगों को भारत के संविधान में, स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में विश्वास है, नेताओं में विश्वास है, कोई भी नेता हो, पत्रकारों में विश्वास है। दिस इज वन थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने बोली, एक मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, मेरे दिमाग में अनायास आ गया है। ये सारी चीजें करने से किसको फायदा किसको नुकसान होता है, एक पिक्चर आई थी माई नेम इज खान, कुछ लोगों ने या बोलिए सबने या कैसे भी जो भी बोलना हो बोल लीजिए, ये सारी चीजें हरकतें थी। उस पिक्चर में दिखाया गया था केवल सरनेम खान होने के कारण कितनी प्रॉब्लम आती है, कितना बड़ा नुकसान होता है, आपको पता है। जिन जो लोग ये ऐसा करते हैं, फिर दोष ये मत दीजिएगा कि जी ब्रिटेन हमें वीजा नहीं दे रहा है, अमेरिका हमें निकाल रहा है, चाइना हमारे। और एक सबसे बड़ा चीज, अब चाइना बोलेगा कि देखो हम जो कर रहे हैं वो सही है, अब और देश बोलेंगे कि हम जो कर रहे हैं, फ्रांस बोलेगा कि हमने जो किया वो सही है। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का, हम तो डूबेंगे ही सनम, और जो शांति से जीना चाहते हैं उनको भी पूरी दुनिया में हम डुबो के छोड़ेंगे। रिएक्शन एक्शन रिएक्शन पूरी दुनिया में जाता है। ये चीजें अभी नहीं दिखाई दे रही है, ये चीजें तब दिखाई देंगी
जब अपना पासपोर्ट लेके कहीं खड़े होगे और वो नाम देख करके वहां पे आपको चार बार ऊपर से लेके नीचे तक दिखेगा। अरे कुछ तो अकल करिए, ये बड़े लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होते हैं इन सब चीजों के। से जुदा वालों से आप प्रभावित हो रहे हैं, से जुदा नहीं, नहीं हम प्रभावित नहीं। सबसे बड़े सब जो मैंने आपको माय नेम इज खान वाला बताया, इसका असर उन्हीं लोगों को पड़ेगा जो अच्छे ईमानदार शांति प्रिय लोग हैं उस कौम में, उसका असर उनके ऊपर पड़ेगा जब वो जाएंगे अपना पासपोर्ट लेके कहीं। जी की भी राय ले लेते हैं, आपकी बात आ गई खान। किस तरह की ग्लोबल इमेज ये बना रहे हैं अपनी, इनको नहीं पता है। ऐसे में फ्रांस बोलेगा कि मैंने सही किया, शिनजियांग में चाइना बोलेगा कि मैं सही कर रहा हूँ। सही बात कि देखिए, अलकायदा एक आतंकवादी संगठन था, 10-20-25-50 हजार 1 लाख लोग वो थे। उन्होंने जो इमेज बनाई, पूरी भुगतना किसको पड़ा? पूरी दुनिया भर के मुसलमानों को, हर जगह शक की निगाह से। रोहिंग्या कुछ मुसलमान थे, बहुत बड़ी जनसंख्या नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसी भगदड़ मचाई कि उनके कारण जलील और शक की निगाह से सारे मुसलमान देखे जा सकते हैं। तो मैं अपील ये करना चाहूंगा कि भाई आप ऐसी हरकतें मत करिए। कुछ लोग हरकतें करते हैं और इमेज जो है पूरी दुनिया भर में फजीहत शुरू हो जाती है। रही बात पॉलिटिक्स की शिफ्ट होने की है, ऐसा कोई प्लान तो था नहीं कि भाई नूपुर शर्मा को स्ट्रेटजी के तहत बैठा दिया गया कि भाई यही बोलो ताकि कश्मीर का मुद्दा हो जाए। कश्मीर का अगर मुद्दा था तो मैं ये बोलता हूँ इंटरनेशनल हस्तियों को कूदने की क्या जरूरत है। अल जजीरा एक चैनल है, उसकी कथा मैं बताऊंगा आपको। सऊदी अरब ने कुवैत के ऊपर बैन लगाया था तो उसमें एक डिमांड ये भी थी कि अल जजीरा के ऊपर बैन लगाइए। एक मुस्लिम कंट्री ने ही अल जजीरा के ऊपर बैन लगाने को लेकर शिकायत की थी। तो तहें इसकी बहुत गहरी हैं। अब आपका वो विषय नहीं है, नहीं तो इस षड्यंत्र के ऊपर भी बात किया जाता कि कैसे कैसे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बोलता हूँ, आप हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई एक घटना हुई पता नहीं क्या, अरे घटना हुई तो आप पुलिस में जाओ, कोर्ट में जाओ, आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास जाओ। यहाँ नहीं गए, वो टैग करके पता नहीं कहाँ कहाँ किसकी गोद में जाके बैठ गए। जब तक आप दूसरों की गोद में बैठे रहेंगे, पता नहीं किस ख्वाब में आप जी रहे हैं, कौन से युग में जी रहे हैं, कहाँ किसकी गोद में जाकर के आप बैठ रहे हैं। आपको लगता है कि कोई आपको मदद करने के लिए आएगा? ये कोई मदद उदत नहीं है। जो ओआईसी वाले, मैं बोलता हूँ इतने हिमायती हैं हमारे देश के लिए या देश के मुसलमानों के लिए, तो 25% फ्री दे देना तेल, इसी नाम पे दे दें, जकात के नाम पे तेल दे दें, तेल के दाम तो बढ़ाते जा रहे हैं। तो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि सब लोगों को ये समझना चाहिए, करता कोई है, वो किसी के बहकावे में आके करता है। और पूरी दुनिया भर में मैं बोलता हूँ बहुत सारे अच्छे मुसलमान भी होंगे, पढ़ने वाले हैं, साइंटिस्ट हैं, उनकी प्रतिभा पे भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अब किस मुंह से आप बोलेंगे? मैं तो बोलूंगा कि भाई इसराइल जो पाठ पढ़ा रहा है वही पाठ सही है, चाइना जो पढ़ा रहा है शिनजियांग में वही पाठ सही है, फ्रांस ने जो पाठ पढ़ाया, दुनिया के लोग तो यही बोलेंगे ना। तो भाई थोड़ा अकल से काम लीजिए जो भी है। कि 14-14 साल के लड़के पत्थर उठा के मार रहे हैं, सर आप मुझे ये बताइए आप इस पे क्या बोलेंगे, किसको शांति का पाठ? आप, मैंने वही बोला ना, पता नहीं पूजा स्थल में जाते हैं, तथा कथित पूजा स्थल में गए, आधे घंटे की प्रार्थना होती है, कौन सा पाठ वहां पे पढ़ा दिया जाता है इतना इफेक्टिव कि उनका पूरा बिहेवियर ही बदल जाता है। वहां से बाहर निकलते हैं तो पूरा बिहेवियर बदल जाता है। राजनीतिज्ञों को, सोशल साइंटिस्ट को, धर्म गुरुओं को इस चीज पे डिस्कस करना चाहिए कि इसका समाधान क्या है। एक दिन की घटना को लेकर के पूरी पूजा पद्धति पर सवाल उठाना ये उचित नहीं है, क्योंकि ये नमाज एक दिन तो नहीं हो रहा है, सालों साल से मैंने अरे सर हद नहीं हद हो गई। आप एक चीज ये बताइए, मैंने किसी के ऊपर नहीं, मैंने कोई आपत्ति किसी के ऊपर सवाल उठाया, यहीं पे बात कर रहे हैं, लोगों को बात समझ में आ रही है क्यों नहीं? नहीं, आप मतलब कुछ भी निकालिए, मैंने तो उस पूजा स्थल का नाम नहीं लिया ना, आप मतलब निकालिए, मैंने तो पूजा स्थल बोला। आप बैक कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आपने नहीं बोला, आप ऐसा बोल रहे हैं। चलिए, अरे साहब मैं बोल रहा हूँ एक तथा कथित पूजा स्थल है, मुझे पता नहीं किसका है, कौन सा वहाँ पे मंत्र पढ़ाया जाता है, क्या पाठ पढ़ाया जाता है वहां पे, कि वहां से निकलते ही पूरा बिहेवियर चेंज। सोशल साइंटिस्ट को जो है, बिहेवियरल साइंटिस्ट है, उनको इस पे स्टडी करना चाहिए कि ऐसा क्या हो जाता है। भाई भाजपा की वॉशिंग मशीन भी फेल हो गई यहाँ पे,
कि एक तरफ से डालो दूसरी ऐसा तरफ कभी से कुछ नहीं हुआ। सब चीजें साफ। सुन लीजिए, जब और रही बात कोई भी विवाद हो उसमें देखिए भारत की क्या है, मैं आपको एक बताता हूं विशेषता क्या है सनातनियों में या भारत के जो मूल धर्म है, ईश्वर पे सवाल करने पे कोई विवाद नहीं है। यहाँ तो जम के डिबेट शास्त्रार्थ होती है, ईश्वर है कि नहीं है, मानते हैं कि नहीं मानते हैं। इसका बेस्ट उदाहरण है गार्गी और याज्ञवल्क का जैसी फिल्म बन संवाद, जाती है। याज्ञवल्क के गार्गी को उसमें डेथ पेनाल्टी मिलनी चाहिए थी, इतने भयंकर सवाल उसने याज्ञवल्क से पूछे थे। लेकिन शांत होके सुन लीजिए मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, उससे सारे शंकाओं का समाधान दिया गया। केवल सवाल पूछ लेने से इस तरीके से घोषणाएं हो जाना कि सरकार को तो इतना देंगे वो देंगे, सरकार को इस पे कानून बनाना चाहिए। ये पब्लिक को डेथ थ्रेट है। आप किसी को फोन करके बोलिए मैं तुम्हारा गर्दन काट दूंगा, वही सजा ऐसे होनी चाहिए जो पब्लिक में बोलते हैं। आप थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सवाल भी लीजिए, आप ही बोलेंगे, आप ही से बोल रहे हैं। हाँ, बोलिए। हम कह रहे हैं कि आप जब गार्गी और याज्ञवल्क्य जी का उदाहरण रख रहे हैं उस संवाद का, चर्चित संवाद का, और आप कह रहे हैं कि ऐसे में तो उनको मार दिया जाना चाहिए, ये भी बात एक ही सांस में कह रहे हैं। ये आज की मानसिकता है एक ही मिश्रा जी, नहीं 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 प्रेम कुमार जी, मेरे कहने का नहीं, मेरे कहने का मतलब है गार्गी ने इतने इतने बेतुके सवाल पूछे थे जो कि एक सभ्य सभा में नहीं पूछने चाहिए थे, मतलब बहुत ही उल्टे सीधे नहीं पूछने चाहिए थे। सुनिए ना, बात तो समझिए, ये आज प्रेजेंस माइंडसेट से आप कह रहे हैं ये सवाल उनको नहीं पूछने चाहिए। अरे हमारा तबका समाज कितना महान था। नहीं, अरे आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि हमारे समाज में निष्पक्ष तरीके से कोई भी सवाल करिए, सवाल पूछने से डिबेट में कुछ बोलने से हमारे समाज में ये नहीं रही है कि किसी ने कोई सवाल पूछ दिया तो बस जी अब तो सरतन से जुदा। स्थिति बदली है और आज हम ये चाह रहे हैं कि कोई सवाल ही किसने बदली परिस्थिति, हमारे कल्चर को किसने बदला, कौन से लोग ये इंप्योरिटी फैला रहे हैं। हम अपने आपने तो नहीं बोला ना कि सरतन से जुदा, हमने तो नहीं बोला ना सरतन से जुदा। तो आप समझिए हम प्रभावित हो रहे हैं, उन सरतन पड़ रहा है। अब देखिए सीन बिल्कुल बदल गया है, अब इस घटना के बाद बीजेपी को कोई गाली देने वाला नहीं है, कोई दोष देने वाला नहीं है। अब हम दोष दे रहे हैं केवल मुसलमानों को, केवल उन लोगों को इधर और उधर। और आप समझिए कैसे शिफ्ट हुआ है, मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं कि वो पॉलिटिक्स जो कश्मीरी हत्या, कश्मीरी पंडितों की हत्या के बाद पलायन के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ आक्रोश पैदा कर रहा था वो आज खत्म। क्या ये सियासत आपको नजर नहीं आ रही है मिश्रा जी? ये देखिए अब सियासत तो बहुत सारी नजर आएंगी, मैं बोलता हूं कि भाई ग्लोबल लेवल पे भी इस पे सियासत नजर आएंगी। अरब देशों को इसमें कूदने की क्या जरूरत है, वो स्वतंत्र राष्ट्र हैं, हम स्वतंत्र राष्ट्र हैं, हम अपने हिसाब से चीजों को फाइनलाइज करेंगे या सेटल डाउन करेंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मेरे मन की बात है और धर्म निरपेक्षता के आधार पे मैं बता देना चाहता हूँ। जब किसी पत्थरबाज को पत्थरबाज बोल करके पत्थरबाजी की सजा देने के बजाय जाके कानून हाथ में सरकार लेगी और उसके घर गिराएगी तो आक्रोश पैदा होंगे। सरकार चिन्हित करके घर गिरा रही है जो अपराधी हैं, जो जिन्होंने अवैध कब्जा किया है, जिन्होंने अवैध कब्जा किया है, कोई अपराध किया है उनके ऊपर रासुका लग रही है, हमारे आपके ऊपर थोड़ी लग रही है रासुका। एक मिश्रा जी, जो जमींदोज जो घर किए जा रहे हैं पत्थर दंगाइयों को सबक सिखाने के नाम पर किए जा रहे हैं और वो सब एक ही समुदाय के, ये भी फैक्ट है, ये किसी हिंदू के घर नहीं गिराए जा रहे दंगाई। उसके लिए आप सरकार के प्रवक्ता से पूछिए, कानून विशेषज्ञों से पूछिए कि किन तत्व, नहीं इसको हवा मत दीजिए सर, ऐसे ही उनके नहीं ऐसे ही इंडिया के जो यूट्यूबर वाले पत्रकार है ना, उन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, तिल का तार उन्होंने बना दिया, ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। एक और नारा गलत गलत तरीके से फैक्ट को प्रेजेंट करना कि सरकार बदला ले रही है, आप ये बोलना चाहते हैं कि सरकार जानबूझ के बदला ले रही है। सवालों यही तो सवाल, सीसीटीवी में कैद है, सीसीटीवी में कैद है उनकी पिक्चरें। सरकार संविधान और कानून के काम करने का तरीका है,
साक्ष्य है, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? आपके घर क्यों नहीं बुलडोजर आ रहा है, मुझे बताइए ना। सुनिए ना, सुनिए ना, अगर मैं अगर पत्थरबाजी करूं तो मुझे पत्थरबाजी की सजा मिलेगी ना कि मेरे घर तोड़ दिए जाएंगे? यही तो छोटा सा सवाल है योगेश जी। हाँ मैं बता रहा हूँ योगेश जी, एक मिनट काम करिए। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, आपका सवाल बहुत है। नहीं मैं बताऊंगा, नुपुर शर्मा ने पता नहीं कौन सी गलती कर दी कि हजारों जगह से सरपंच से जुदा कि जो है वो आ गए, ऑर्डर्स आ गए, बाउंटी रख दी गई जबान काटने पे, उसके ऊपर आप नहीं बोलेंगे। और ये जिन्होंने पत्थर मारा उनके साथ अन्याय हो रहा है। नुपुर शर्मा ने क्या बोला पहले? नहीं तो ये फार्मूला उसके साथ भी लगाइए ना, चार लोगों के साथ बैठ के डिस्कस कर लीजिए कि नुपुर शर्मा ने सही बोला कि गलत बोला। देश की अदालतों को खत्म कर दीजिए सरकार। अरे कहां मान गए अदालत को? पत्थर लेके जो लोग निकल रहे हैं वो अदालतों को नहीं मानते हैं, जो मर्डर करते हैं वो अदालतों को नहीं मानते हैं, जो तोड़फोड़ करते हैं ये बताता है कि वो अदालतों को नहीं मानते हैं, तभी वो तोड़फोड़ कर रहे हैं। उसी की सजा मुझे मिलेगी ना, और कानून के भाई नुपुर ने गलती की तो हजारों लोगों ने क्यों गलती कर दी? नुपुर ने गलती की तो हजारों लोगों ने क्यों गलती कर दी, मुझे बताइए ना। कानून तो नुपुर के लिए भी है, गलती नुपुर ने की लाखों लोग गलती क्यों कर रहे हैं, वही कानून तो नुपुर के लिए भी है ना। आप उनके लिए बोल रहे हैं? अरे जा करके कोर्ट में केस करिए, जो यहाँ का प्रोसीजर है नुपुर के खिलाफ, कि आप कानून हाथ में लेकर के उसको बोलेंगे कि सरपंच से जुदा हो जाएगा। ऐसे ऐसे बात कर सकते हैं जिसको खुद नुपुर शर्मा ने, जिसके लिए माफी मांगी, जिसके लिए उनकी पार्टी ने उनको फ्रिंज एलिमेंट बताया, जिसके लिए जिनको पार्टी से निकाल दिया गया, वो सही था या गलत था इसको डिसाइड कर लिया। मैं बोलता हूँ एक कॉमन आदमी को कानून के हिसाब से चीजें होनी चाहिए थी वहां पे भी, उसके लिए आप पत्थर लेके निकल लेंगे। ये दूसरा उपद्रवी समूह नहीं है जो उपद्रव का जवाब उपद्रव से देगा, ये तर्क नहीं चलेगा। सरकार को जिम्मेदारी के साथ आना होगा, कानून के हिसाब से आना होगा, वरना गद्दी छोड़ कानून के हिसाब से ही तो काम कर रही है सरकार, ही तो उनको उनको काम कर रही है। हम आप थोड़ी कर रहे हैं, घर क्यों तोड़ा जाएगा? सरकार ही तो डिसाइड कर रही है ना कि किसको क्या करना है, पब्लिक थोड़ी जाके उनके घर तोड़ रही है या उनको जेल में डाल रही है। पब्लिक को जो करना था वो कर लिया। मैं इस चर्चा को अब यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा।